हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पत्रा हेल्थ केयर। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन वैसे तो कोई बड़ी या जानलेवा बीमारी नहीं है, ये एक सेक्सुअल प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपके माइंड से भी कनेक्टेड है। एलोपैथिक मेडिसिन में इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कुछ स्प्रे, जेल या ऑइंटमेंट है जो एलोपैथिक डॉक्टर्स लिंग के अगले भाग पर यानी प्रीप्यूस पर लगाने के लिए देते हैं। ये स्प्रे और जेल लगाने से लिंग का अगला भाग सुन्न हो जाता है और जिसकी वजह से टाइमिंग बढ़ जाती है, लेकिन अगला भाग सुन्न होने की वजह से आप सेक्सुअल एक्टिविटी को एंजॉय नहीं कर पाते हो और इसके ये केमिकल बेस्ड होता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अगर कोई पहली बार सेक्स के लिए जा रहा है तो एक घबराहट होती है, डर होता है, एक्साइटमेंट होता है जिसके कारण वीर्य जल्दी बाहर आ जाता है, और कोई टेंशन, एंग्जाइटी या फिर सेक्स से पहले ये चिंता कि मैं सेक्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या फिर सेक्स के लिए कॉन्फिडेंस की कमी। लेकिन इस तरह के सिम्टम टेम्परेरी होते हैं, लेकिन हॉर्मोनल इम्बैलेंस, नसों की कमजोरी, पेनिस की स्किन में सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी, ये सिम्टम्स टेम्परेरी नहीं होते, और ज़्यादा मास्टर्बेशन यानी हस्तमैथुन इसका एक बड़ा कारण है, और ऐसे सिम्टम्स में एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसका एलोपैथी मेडिसिन में कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए जब आप किसी एलोपैथिक सेक्सोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इस बीमारी को ठीक करने या कंट्रोल में रखने के लिए वो जो सलाह आपको देते हैं उसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। उनका कहना होता है कि जब आप डिस्चार्ज होने वाले हो तो अपने पार्टनर को बोलो कि वो पेनिस को रूट से रिंग बनाकर पकड़ ले ऐसे, और फिर वो कहते हैं कि जब डिस्चार्ज होने वाला हो तो लिंग को बाहर निकालो और कुछ देर के लिए रुको और फिर बाद में फिर शुरू करो। तो ये आप सेक्स कर रहे हो या मजाक कर रहे हो? मुझे तो कॉमेडी ज़्यादा लगती है। तो इस तरह की सलाह आपको वही दे सकता है जिसके पास कोई परमानेंट सोल्यूशन ना हो। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम का एक बड़ा कारण ज़्यादा मास्टरबेशन होता है, जिसके कारण नसें कमजोर हो जाती हैं और आपके एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाती और वीर्य जल्दी बाहर आ जाता है। लिंग के अगले भाग यानी प्रीप्यूस के ऊपर बारीक बारीक हजारों नसें होती हैं और इन्हीं नसों का काम है वीर्य को जल्दी बाहर आने से रोकना। जब आप ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं तो ये हजारों बारीक नसें रगड़ लगने से कमजोर होती है और इन नसों के ऊपर की स्किन, जिसे हम प्रीप्यूस कहते हैं, वहाँ पर हस्तमैथुन के कारण सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी आ जाती है। इसी को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन बोला जाता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेडिसिन से सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ये मेडिसिन पूरे सेक्सुअल सिस्टम को ठीक करती हैं, सेक्सुअल ऑर्गेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। नसों की कमजोरी और पेनिस की स्किन की सॉफ्टनेस और सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को परमानेंट ठीक किया जा सकता है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को परमानेंट क्योर करने के लिए होम्योपैथी में एक से एक बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हम कई प्रकार के कम्बिनेशन भी बनाते हैं, जैसे एसिड फोस, एग्नस, कैस्टस, चाइना और नक्सोमिका, इन चारों को मिलाकर देते हैं। इसको हम बोलते हैं इम्पोटेंसी कम्बिनेशन। तो ये ना सिर्फ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करता है बल्कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी उतना ही अच्छा काम करता है। कैलेडियम है, कोनियम है, एग्नस कैस्टस है, चाइना है, नक्सवोमिका है, ग्रेफाइटिस, नेट्रोम्यूर, सेलेनियम, स्टैफिसगेरिया, योमिनम, डामियाना, टेस्टिस, एक से एक अच्छी दवाइयाँ हैं इसको ठीक करने के लिए। लेकिन ये दवाइयाँ आपके सिम्टम कलेक्शन के बाद ही आपको दी जा सकती हैं। अगर आप इसको परमानेंट क्योर करना चाहते हैं, सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सेक्सुअल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो बत्रा हेल्थ केयर का प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्रॉप्स 3 से 6 महीने लगातार यूज़ करें। 3 से 6 महीने मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेडिसिन लेने का ड्यूरेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है या कितनी क्रोनिक है। ये 30 ml की 2 बोतल हैं, इसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ड्रॉप्स, क्योर ड्रॉप्स ए एंड बी। ए में हमने वो मेडिसिन डाली हैं जो हम बी में नहीं डाल सकते थे लेकिन आपको देना चाहते थे, तो ए में हमने 3 मेडिसिन डाली हैं, एग्नस कैस्टस, कैलेडियम सेंगुइनम और कोनियम मैक। बी में हमने 5 बहुत खास होम्योपैथिक मेडिसिन डाली हैं, एसिड फोस, चाइना, नक्सवोमिका, सेलेनियम और स्टैफिसगेरिया। ये 100% नेचुरल है, बहुत हाई क्वालिटी होम्योपैथी है और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन मेडिसिन से ना सिर्फ प्रीमैच्योर इजैकुलेशन ठीक होगा बल्कि वीर्य भी गाढ़ा होकर टिकने लग जाएगा, और सेलेनियम जो हमने इसमें डाला है वो यही काम करता है। इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्योर ड्रॉप से इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी ठीक होगा क्योंकि इसमें हमने एग्नस और कैलेडियम भी डाला है। मास्टरबेशन से आई कमजोरी भी ठीक होगी क्योंकि इसमें चाइना डाला है, और सेक्सुअल ग्लैंड्स भी ठीक होंगे क्योंकि इसमें कोनियम और कैलेडियम है। नाइट एमिशन भी ठीक होंगे क्योंकि इसमें स्टैफिसगेरिया, एसिड फोस और सेलेनियम भी है। तो मास्टरबेशन के कारण बालों का झड़ना भी ठीक होगा और मेमोरी लॉस ड्यू टू मास्टरबेशन भी ठीक होगा, इसके लिए इसमें हमने एसिड फोस डाला है जो बहुत अच्छा होता है। अगर आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के और ड्रॉप्स को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के और ड्रॉप्स या PECD टाइप करके भेजें। बत्रा हेल्थ केयर की टीम आपसे डिटेल में बात करके इसे आपके घर पर भिजवा देगी। थैंक यू।